जनपद गोरखपुर थाना चोरी चोरा के अंतर्गत 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के नेता कालीशंकर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चोरी चोरा तहसील पर जबरदस्त प्रदर्शन कर नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के अधिशासी अधिकारी को निलंबित करने की मांग की तथा उपजिला अधिकारी के साथ बैठक कर महुआ बारी के ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की तथा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा लगातार लापरवाही बरतने तथा अनुसूचित समाज, पासी समाज और जयसवाल समाज के साथ भेदभाव और गलत बयानबाजी के लिए निलंबित करने की मांग की। कालीशंकर ने कहा कि लगातार 4 वर्ष से सड़क और नाली इसकी समस्या बनी हुई थी और हमारे संघर्ष के उपरांत इस नाली और सड़क की समस्या के लिए 39 लाख का बजट पास हुआ और वहाँ उपजिलाधिकारी चोरी चोरा के नेतृत्व में नाली निर्माण के लिए जेसीबी से कार्य प्रारंभ हुआ, परंतु दूसरे दिन ही अधिशासी अधिकारी ने काम रुकवा दिया तथा जयसवाल समाज, अनुसूचित समाज और पासी समाज के लिए भेदभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया जो बहुत ही निंदनीय है। आज मुद्दा बहुत गंभीर है, गंभीर इस नाते है कि लगातार 4.5 साल से महुआ बारी जो बालपुर का एक टोला है वहाँ जो कि वहाँ पे मैक्सिमम अनुसूचित समाज के लोग, खासकर पासी समाज के लोग और जयसवाल समाज के लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव का काम किया जा रहा है। जो यहाँ पे जबकि SDM ने, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने आदेशित कर दिया था कि हाँ उस सड़क को बनाया जाए, कुछ व्यक्ति असामाजिक तत्व लोग उसको रोक रहे थे, उसके बाद जाके SDM ने तहसीलदार ने जाके वहाँ के मौके का मुआयना किया और कहा काम स्टार्ट हो जाए। उसके बाद वहाँ 39 लाख का बजट भी पास होता है और उसके बाद वहाँ JCB से कुछ दूर खनवाया जाता है, मगर कहीं ना कहीं जो सत्ता कह रही है कि हम आम जन के हित की बात करते हैं, ये सत्ता कहीं ना कहीं पूंजीवादियों के साथ और ऐसे कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है और यहाँ का ईओ जो नगर पंचायत का ईओ है वो भी मिला हुआ है। हम आज उसने लगातार 1 महीना हो गया ये काम को शुरू हुए, आज अधकचरे में वहाँ काम रखा हुआ है, रोज बोलता है कि आज कर देंगे कल कर देंगे, वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। आज हम उसके सस्पेंशन की मांग करते हैं नगर पंचायत के ईओ की और हम बात करते हैं कि क्या अनुसूचित जातियों को जीने का अधिकार नहीं है, क्या पासी समाज के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, क्या जायसवाल समाज के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, क्यों भेदभाव हो रहा है? हमारी 85% की आबादी है, कुछ 2-4 लोग हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता में आग लगाना चाहते हैं, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम सर्व समाज को लेके चलने वाले हैं, मगर ऐसा है जो अपना छोटा भाई भी है उसको भी साथ लेके चलने की है। अगर बृहस्पतिवार तक यह सड़क निर्माण शुरू नहीं हो जाता तो हजारों की संख्या में ये चोरी चौरा की क्रांतिकारी धरती है और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का लहू बहता है। हम बता देंगे शासन प्रशासन को कि जनता को दबाने का क्या हश्र होता है। धन्यवाद। अभी अभी एक और सवाल है,